वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। यार आज का जो वीडियो है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं अपने मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए एक होटल में जाने वाला हूँ, जो कि है बसूरी में। और होटल का नाम है जेपी रेजिडेंसी मनौर। बेसिकली ये 5 स्टार होटल है। देहरादून या उत्तराखंड के अंदर बहुत ज्यादा 5 स्टार होटल्स नहीं है, लेकिन जो मुझे बेस्ट लगा ये कोरोना वायरस के टाइम पे, जहाँ पर भीड़ भी कम हो और थोड़ा हम इंजॉय भी कर पाए, तो वो मुझे यही लगा, तो वहीं चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को लाइक कर दो। अगर इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो कर लो। तो भाई अभी मैं जस्ट सोकर ही उठा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इंट्रो तो पहले मैं बना ही दूं, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि भाई क्या होने वाला है। अब मैं फटाफट रेडी होता हूं और आपको डायरेक्टली होटल पर जाकर मिलता हूं। पूरा पहले होटल को एक्सप्लोर करेंगे, फिर देखेंगे वहां पे क्या क्या और चीजें हैं, एंड बहुत ज्यादा आज मजा आने वाला है, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और अब मैं आप लोगों को मिलता हूं सीधा होटल पे। तो गाइस ये है जेपी रेजिडेंसी मनौर, एंड अभी अंदर चलते हैं फटाफट, मैं पहुंच तो गया हूं। ये भाई इनकी गोल्फ कार, बेसिकली ये घुमाने के काम आती है, और ये एंट्रेंस है पूरे होटल की। सो गाइस ये है फर्स्ट लॉबी, एंड जो सेकंड लॉबी है, जो मतलब मेन लॉबी है, वो इधर है, वो दिखाता हूँ। बहुत ही सही जगह है ये, पूरी ऊपर से जो आप देख रहे हो ये है इनकी मेन लॉबी। इधर से एंट्रेंस हुई और फिर हम लोग ऊपर आ गए, एंड यहाँ पे ना गेमिंग एरिया भी है पूरा, बट अभी वो बंद है कोविड की वजह से। जिस दिन खुलेगा मैं यहाँ आऊँगा। तो भाई ये पूरा का पूरा व्यू है मसूरी का, यहाँ होटल्स है और ये थोड़े बहुत स्विंग्स वगैरह लग रखे हैं, और नीचे पूरे कॉटेजेस हैं जिसके सीटिंग अरेंजमेंट हो ही रखा है। और व्यू देखो यार कितना कमाल का है, शाम को आओ या फिर सुबह सुबह आओ तो क्या व्यू आएगा। और भाई ये हो गया यहाँ का पूरा प्लेइंग एरिया, एंड इसको आप ये मत समझना कि ये कोई पत्थर वगैरह है, ये बेसिकली बहुत स्पॉन्जी सा फ्लोर है जिसके अंदर कोई गिरेगा नहीं, एंड ये बास्केटबॉल कोर्ट हो गया यहाँ पे, एंड ये सामने है जेपी जहाँ मैं आया हूँ ऑब्वियसली। तो भाई बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है, ये देखो मेरा नया स्विंग जो है, हालांकि मेरे साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा है, समझ रहे होगे। तो भाई मुझे ये वाली स्लाइड दिख गई है, मैं ये ट्राई करके देखता हूँ क्या मेरे से हो भी पाएगी या नहीं। ओ भाई साहब, तो भाई स्विंग्स के बाद अब टाइम आया है मेरे लिए बास्केटबॉल देखने का, कि भाई मैं कर पाऊंगा यहाँ पे बास्केट में या नहीं। सो भाई ये बॉल आ चुकी है सामने बास्केट। अरे आप करो, अरे यार एमडी वाला काम मत करो आप, नहीं हुआ फेंक दो जोर से, समझो ये बास्केट एमडी है, फेंको। अरे एमडी है ये, एमडी के नाम से हो गया काम। ये पूरा का पूरा प्रॉपर जो लूडो का गेम होता है वो है, इधर 100 है, स्नेक वगैरह सब बन रखे हैं। तो एक बार ट्राई करते हैं, घुमाना पापा इसे डाइस को, देखो क्या आता है। उड़ा दो हवा में, उड़ा दो उड़ा दो, एमडी की जय। 3 नहीं हुआ, 6 लाओ ना, समझो एमडी है, इतना जोर से फेंको, अब आएगा, अभी भी नहीं आया, अब मैं करूँगा एमडी, फिर से एमडी। तो भाई अब जो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ ये है चेस बोर्ड, ये भी पूरा फ्लोर पे जैसे लूडो था, और काफ़ी बढ़िया लगता है ये भी। अगर आप लोगों ने पहले कभी देखा तो बताना, और नहीं देखा तो भी बताना। बना रखा है फ्लोर पे, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, हॉर्स भी है यहाँ पे, किंग भी है, क्वीन भी है, मतलब सब कुछ है, काफ़ी सही लग रहा है। और ये पूरा पीछे होटल है, अभी अंदर में डाइनिंग दिखाता हूँ आपको। भाई ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं ना भाई, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब लग रहा होगा बहुत भारी है, लेकिन पूरा प्लास्टिक है, देखो घोड़ा बड़ा है या मैं बड़ा हूँ, कमेंट करके बताओ भाई। और घोड़े पे बैठे से पहले घोड़े को किया सैनिटाइज। तो भाई नेक्स्ट है मेरे पास एक और स्लाइड जो मेरे सामने है, इसको भी मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर भी, कि क्या मैं ये कर पाऊँगा या नहीं, जो कि मुझे लगता है कि मैं कर लूँगा। ये है भाई पूरी स्लाइड, गोल 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 घूमते घूमते आएगी और यहाँ तक आ जाएगी, तो एक बार ज़रा ऊपर चढ़ा जाए पहले। सैनिटाइजर की होगी बारिश, टूटेगा तो नहीं। यार कैसा है ये। तो अभी आप लोगों को मैं डाइनिंग एरिया दिखाऊंगा पूरा का पूरा, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो भाई फाइनली आ चुका है लंच, इधर पनीर है, इधर नान है और इधर दाल है, फटाफट इसे ख़त्म करते हैं इस प्लेट में डाल के, फिर मिलता हूँ मैं। सो भाई फर्स्ट केक तो मुझे ये मिला, ये मुझे जेपी से मिला अभी जब मैं आया, एंड ये है ब्लैक फॉरेस्ट केक, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, इसमें लिखा हुआ है हैप्पी एनिवर्सरी, एंड ऊपर से भी बहुत ज़्यादा ये जो फ्रिल्स हैं इसके, ये वाले चॉकलेट वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं।
जो दूसरा वाला केक है वो ये है, ये भी हैप्पी एनिवर्सरी इस पे मैंने लिखवाया था। इस केक का नाम है मिल्फे केक। बेसिकली इसके ऊपर पूरा ये कैरमेल है एंड अंदर ये जो येलो देख रहे हो ये पेस्ट्रीज हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये भी केक के ऊपर का ही कुछ पार्ट है। लेकिन ये केक यार बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। केक का नाम भाई इसका है मिल्फे एंड ये आप लोगों को हर बेकरी पे नहीं मिलेगा, बट जहाँ मिलेगा मतलब आप लोग बहुत किस्मत वाले हो अगर वहाँ पे मिल रहा है। मैंने इसे फर्स्ट टाइम दुबई में खाया था, इससे पहले भी मैंने बताया, लेकिन अमेजिंग इसका टेस्ट होता है, मतलब और केक से बहुत ज्यादा डिफरेंट, तो इसीलिए मैं लेके आया था। और ऑल्दो मैंने इसे कार्ड भी दिया बट फिर मैंने आप लोगों को दिखाया। सो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ तनवीर के पास, तनवीर को भी पार्टी चाहिए थी। तनवीर भाई तेरी पार्टी का इंतजाम पूरा कर दिया। दूसरा आदमी भी है, वो भी है भाई, एक छोटा मोटा आदमी है। नहीं आपने पार्टी नहीं मांगी ना, भाई आपने पार्टी मांगी नहीं मांगी ना, तो भाई जो उसने मांगी तो मैं बोलूंगा ही। तो मैं तो दो दिन से पीछे पड़ा, ये दो दिन से मैं से पार्टी मांग रहा हूं। मैं हट गया भाई, आपको पार्टी चाहिए? हाँ बोल दो, बस सीधी बात खत्म हो गई। हाँ हाँ हाँ। तो बेसिकली मैं दोनों बंदों के लिए लेकर आ रखा हूँ मोमोज। हमको खिला के सांड बनाएगा, हमें खिला के सांड नहीं बनाऊंगा, आपके अंदर ताकत लाऊंगा ताकि आप किसी से भी भिड़ पाओ। भिड़ नहीं पाओ, तुम्हारी वीडियो में आने के लिए जिंदा रह सके, जिंदा रह लेंगे। धूप में खिलाता है ये सब, साइड में लगा के छाए में नहीं खाते। ये देखो और यहाँ देखो, पूरे दूर दूर तक कहीं पेड़ दिख जाए तो बात है, मतलब पूरा खुला जो एरिया है ना। और ये हाथ में पकड़ के खिलाने के लिए लाया, प्लेट भी नहीं लाया। प्लेट नहीं थी उसपे, प्लेट नहीं थी, तुझे तो पता था आने वाले, तू ही ले आता। अबे ये क्या हो रहा भाई, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई जी, ये ऐसे हाथ कौन धोता है भाई जी? अंदर महंगा माल पड़ा, सैनिटाइजर है, क्या कर रहे हो? निकाल थोड़ा रहा हूँ, खाने की तैयारी कर रहा हूँ। खाने की ऐसे बैठ के हाथ तो धो लूं। चलो जैसी आपकी इच्छा। तो भाई माल बटना शुरू हो चुका है, दोनों अपनी अपनी तरफ से लग गए। इसने तो अपनी जगह ढूंढ निकाली है बैठ के खाने की। वो देखो मास्क पहन के खाओ आज, मास्क पहन के खाओ, मतलब कुछ भी करोगे। वो देखो खाना देखते ही दिमाग खराब हो चुका है एमडी का। ये देखो, ये सोफेस्टिकेटेड तरीका था, खाया अंदर गया। ये कैसे खा रहे हो ये गरम। माना भाई अब पहले ये बताओ मोमोज कैसे लगे? क्या हो गया? अच्छा तो बोल ही देते, तू बता। मोमोज आर वेरी नाइस। चलो मतलब हमारी पार्टी अच्छी चली। हाँ भाई तनवीर चटनी उड़ेल दो इनके इस बैग के अंदर, तुम्हारे ऊपर नहीं गिर पड़े। और डाल दो, पी लेंगे तो, इनका क्या है, पी लेते हैं तो। ओहो ये देखो भाई नया ही स्टाइल है पीने का, चटनी क्या करना है, क्या चाह रहे हो? हाँ उसको ऐसे कर लो ना, हीज़ आ चटनी मैन। वो अभी चटनी से वो बन गया मंचूरियन टाइप, इतनी चटनी है इसमें, अब खा लो इतनी चटनी। हाँ एंड में चटनी पी लेना, वो खा रहा है तरीके से मजे लेके, मतलब खुशी से आराम से खाना चाहिए खाना। भाई साहब जैसे खाते हैं ना ऐसा करते हैं, जैसे चरने को ले दे दिया है गाय को चारा, अब खा के खत्म करना है काम। ये पेन तो अभी रात को होगा या सुबह? अभी तो कम है, अभी जाते हुए का पेन है, फिर निकलते हुए का पेन होगा। कहाँ क्या हो गया? ओ चटनी पी ली भाई, एक्सक्लूसिव फुटेज आपको ये स्पेक्सी साहिल पे ही मिलेगा, चटनी पीते हुए इंसान चटनी मैन, वो भी पूरा का पूरा इंसान। तो भाई फाइनली माना भाई पेट भर गया, कुछ तो भरा होगा किसी हिस्से में। तो तुमने मेरे से वो करी बहुत बड़ी गद्दारी है। अब क्या करा तुमने, उसको दिए बहुत ज्यादा, मुझे दिए कम। भाई ज्यादा नहीं होता, मतलब बात ये थी कि दोनों को बराबर मिले, उसने धीरे धीरे खाया। कैमरे के पीछे बॉन नहीं था, तुमने कुछ और बोला था, आपने रिकॉर्ड कर लेना था अगर मैंने बोला था तो। भाई मैंने बराबर दिए, उसने धीरे धीरे मजे लेके खाया, आपने ऐसे खाया जैसे अभी आपके पास कोई आ रहा है आपसे छीन के ले जा लेगा। टेस्ट लेके खाओ। ये बोलना चाहो डंग। सो गाइस देखा आप लोगों ने आज का वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको सेलिब्रेशंस भी दिखाई, उसके बाद यहाँ वाली सेलिब्रेशन भी दिखाई। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, ऐसी वीडियोस और भी चाहिए तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, देन गुड बाय एंड टेक केयर।